नमस्कार दोस्तों, ये द इंग्लिश गेमर और मैं हूँ शिवम। आज हम बात करेंगे नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड की। ये एंड्रॉयड के गेम की बात कर रहे हैं हम। ये एंड्रॉयड का गेम जो है मोस्ट वांटेड, ये एक्चुअल में पीसी और कंसोल गेम है जो कि आप प्ले स्टेशन पर, एक्सबॉक्स पर या कंप्यूटर पर खेल सकते हैं। ये जो एंड्रॉयड वर्जन है इसका लाइट वेट गेम है, लाइट वेट वर्जन है। इसमें फ्री रोम नहीं है, इसमें डायरेक्टली इवेंट्स है। और इस गेम में जो है काफ़ी रेसिस अवेलेबल है। मैंने एक या दो रेसिस अभी तक खेली है, मैंने ज़्यादा रेसिस नहीं खेली। और पहले बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस में जो है मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। सेटिंग्स में देखें तो आप जो है कैमरा सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, स्पीडोमीटर में किलोमीटर्स पर आवर और माइल्स पर आवर चेंज कर सकते हैं, हेड्सअप डिस्प्ले जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखती है रेस के बारे में वो आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, म्यूज़िक और जो है इन गेम साउंड है उसकी आवाज़ ज़्यादा या कम या फिर म्यूट कर सकते हैं। और कंट्रोल्स में अगर आप देखें तो कंट्रोल्स में जो है तीन टाइप के जो है कंट्रोलर्स है। स्टीयरिंग कंट्रोलर है, यानी कि जायरोस्कोप का कंट्रोलर, टच और स्वाइप का कंट्रोलर है जो कि स्वाइप लेफ़्ट या स्वाइप राइट करने से गाड़ी जो है लेफ़्ट या राइट जो है मूव करेगी, और मूवा कंट्रोलर जो है जो कि एक्सटर्नल कंट्रोलर है, ये हमें कनेक्ट करना रहता है, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। आप सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी सेंसिटिविटी ज़्यादा रख के प्ले करता हूँ। सो यार ये है इंटरफेस की बात। और आगे देखें तो यहाँ पर स्टोर अवेलेबल है, आप जो है इन गेम मनी जो है परचेज कर सकते हैं रियल पैसे के साथ, पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जो है ये पैसे बहुत ही आराम से जमा कर सकते हैं। इवेंट्स में जाते हैं, इवेंट्स में जो है मल्टीपल टाइप के इवेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे। और पहले तो ये गैरेज में कोई कार अवेलेबल है, 1,20,000 जो है इसकी प्राइस है, मेरे पास 44,000 है। सो या अभी हम परचेज नहीं कर सकते। और कोई इवेंट खेल के देखते हैं, पीटरसन स्ट्रीट पे जो है ये चेक पॉइंट रेस है, और मुझे जो है इसमें सिल्वर स्टार मिला था, सिल्वर मेडल मिला था। सो इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं गोल्ड मेडल के लिए। सो या देख सकते हैं 8,500 जो है रिवॉर्ड मिलता है सिल्वर फिनिश करने से, और गोल्ड फिनिश करने के लिए 16 सेकंड पहले जो है फिनिश करना है, मैंने 14 सेकंड पहले फिनिश किया था। सो इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। 12,500 स्पीड पॉइंट्स और चाहिए मुझे ये कार अनलॉक करने के लिए, M3 कूप। सो फिलहाल इससे ही काम चला देते हैं। डॉट चैलेंज, ओके। सो
या नॉट गुड। पुलिस के साथ जो है ये खेलने में शायद वो 30 सेकंड्स वेस्ट हो गए। या तो मतलब अभी इम्प्रूव करना रहेगा, बट कोई बात नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं गेम प्ले काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स भी ठीक ठाक है। ये गेम जैसे मतलब 3-4 से 5 साल पुराना गेम है ये, 2012 या 2013 में आया था एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि 2012 में जो है पीसी और कंसोल के लिए मोस्ट वांटेड आया था, उसके साथ ही जो है इसकी रिलीज हुई थी। सो या मल्टीपल टाइप्स के इवेंट्स अवेलेबल है। ये एक स्ट्रीट रेस है, इसे खेलने की कोशिश करते हैं। ओके सो यहाँ पे एक्चुअल में हमें कार परचेस करनी है, कोई नॉर्मल सी कार परचेस कर सकते हैं। फोर्ड फोकस या लैंसर काफ़ी अच्छी होती, सो देखते हैं कि लैंसर के लिए कोई इवेंट अवेलेबल है। नोप, ये वेलकम टू फेज 1 जो ओरिजिनल पहला इवेंट था, जब आप गेम स्टार्ट होती तब आप इससे खेल सकते हैं। सो या ये गेम काफ़ी बढ़िया है, इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये जो सेल में है नॉर्मली 10 रुपये में अवेलेबल है और यूजुअल प्राइस 300 रुपये होती है, पर बहुत ही ज़्यादा टाइम पे जो है सेल्स अवेलेबल होते हैं। सो आप जो है आराम से इसे 10 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं। अभी दिवाली के सेल में भी ये 10 रुपये में अवेलेबल थी। और जैसे मैं बता रहा हूँ इन ऐप जो है आइटम्स है, पर इसकी जो है आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप क्विकली इसी खेलना चाहते हैं, टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स आप इसे परचेज़ कर सकते हैं नई कार्स अनलॉक करने के लिए। बट मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खेलेंगे, रोज़ का आधा घंटा या एक घंटा खेलेंगे, तो 1 या 2 हफ्ते में आपके पास काफ़ी बढ़िया काफ़ी नई कार्स होगी। सो एक्स्ट्रा पैसे जो है खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें बताना चाहूँगा कि कोई गूगल या फिर फेसबुक का जो है लॉगिन नहीं है, सो इसका जो डेटा है वो सिंक नहीं होता है। सो अगर आप अपना फ़ोन फॉर्मेट करते हैं तो आपका जो है फ़ोन का आपकी गेम का ये डेटा जो है लॉस हो जाएगा और आपको फिर से शुरुआत करनी रहेगी। सो या ये एक कॉन है, माइनस पॉइंट है, और फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस गेम को ट्राई करें, काफ़ी बेहतरीन गेम है। इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, गूगल प्ले की लिंक। सो या इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा रिप्टाइड जीपी के बारे में, रिप्टाइड जीपी रेनेगेड, जो कि तीसरी गेम है रिप्टाइड जीपी सीरीज़ में, और क्यों वो गेम अच्छी है। वाटर रेसिंग है उसके अंदर, वाटर रेसिंग, और उस गेम में मल्टीप्लेयर अवेलेबल है, गूगल क्लाउड सिंकिंग भी अवेलेबल है, पर उसके बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि कौन सा गेम आप देखना चाहेंगे अगला, और एंड्रॉयड गेम या फिर कंप्यूटर गेम, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कोई कंसोल नहीं है, तो मैं आपको कंप्यूटर गेम्स या फिर एंड्रॉयड गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। सो मिलते हैं अगले टाइम के लिए, थैंक यू। वाह।